फ्रेंड्स ये रेसिपी नॉर्मल होने के बावजूद इतनी क्रिस्पी टेस्टी और चीजी बनकर तैयार होती है कि बस खाने में मजा ही आ जाता है बच्चा तो अच्छा देखिए खुश होकर फटाफट खा ही रहा है लेकिन आप भी खुद को इसे खाने से रोक नहीं पाएंगे इतनी टेस्टी और आसान सी रेसिपी है तो चलिए मिलकर बनाते हैं सबसे पहले आटा गून देंगे और ये नॉर्मल आटा नहीं है इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं यहाँ पर मैंने दो कप गेहूं का आटा लिया है उसमें एक चौथाई चम्मच अजवाइन को हाथों से मसल कर डालेंगे इससे अजवाइन का फ्लेवर बढ़कर आता है आधा चम्मच नमक या फिर अपने स्वाद अनुसार दो चम्मच देसी घी देसी घी जरूर डालिएगा क्योंकि देसी घी से नाश्ता या बन बहुत ही खस्ता बनेंगे और एकदम अमेजिंग टेक्सचर आएगा अब घी और सभी चीजों को आटे में अच्छे से मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंद लेंगे आटे को मीडियम रखिएगा यानी कि आटा ना ज्यादा सॉफ्ट हो और ना ज्यादा टाइट मीडियम आटा गूंदिएगा अब आटा गूंदने के बाद आटे को ढक कर पंद्रह मिनट का रेस्ट देंगे और इस आटे को गूंदने के लिए मैंने पूरा एक कप पानी लिया था और एक कप पानी में थोड़ा सा बच गया है ये देखिए अब बन के लिए स्टफिंग बना लेते हैं स्टफिंग के लिए मैंने एक छोटी शिमला मिर्च को धोकर लिया है एक गाजर ली है मीडियम साइज की और इस शिमला मिर्च और गाजर को बारीक बारीक काट लेंगे आज मैं चॉपिंग के लिए मैनुअल चॉपर का यूज कर रही हूँ इस मैनुअल चॉपर में सब्जियों को बारीक काटने का काम बहुत ही आसानी से और जल्दी हो जाता है ये देखिए नेक्स्ट हमें चाहिए होंगे उबले आलू तो मैंने यहाँ पर सात छोटे साइज के उबले हुए आलू लिए छिलका हटाकर अब इन आलुओं को अच्छे से मैश कर देंगे ताकि आलुओं में बिल्कुल भी कुटलिया ना रहे आप लोग कई सारे वीडियोस देखते होंगे और वीडियोस को लाइक भी करते होंगे शेयर भी करते होंगे कमेंट भी करते होंगे लेकिन प्लीज मुझे बताइएगा की आप लोग वीडियो पे लाइक और कमेंट कब और क्या सोच के करते हैं मतलब वीडियो आपको अच्छा लगता है तब कमेंट करते हैं या पसंद नहीं आता है तब कमेंट करते हैं या फिर वीडियो में ऐसा क्या होना चाहिए कि आप उस पर कमेंट करें वीडियो को लाइक करें मुझे जरूर बताइएगा पता नहीं आज तक मुझे समझ में ही नहीं आया कि वीडियो में ऐसा क्या बोलो क्या करो कि लोग कमेंट करें मेरे वीडियोस पे तो मैं कुछ भी कर लूं मतलब कितनी भी मेहनत कर लूं कमेंट ही नहीं करते यार कर दो बस इतना ही बोलूंगी प्लीज कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है बकवास लग रहा है जो भी लग रहा है पर लिख दो इस बार वीडियो पे कमेंट कर दीजिए प्लीज और अब इसमें बहुत ही स्पेशल मसाले डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला नमक स्वाद अनुसार आधा चम्मच अनारदाना पाउडर अनारदाने पाउडर से इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है लेकिन आप चाहे तो अनारदाने पाउडर के बिना भी ये नाश्ता बना सकते हैं। एक चौथाई कप मोज़रेला चीज ये मैंने जो डाइस्ड फॉर्म में आती है इस तरह से ये यूज की है फिर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे वैसे आप इसे बिना सब्जियों के सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं लेकिन सब्जियां डालने से टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है और इसी बहाने बच्चों को भी सब्जियाँ खिला सकते हैं भाई मैं तो अपने बेटी को सब्जियां ऐसे ही खिलाती हूँ आलू की स्टफिंग तैयार है अब गूंधे हुए आटे को फिर से थोड़ा सा मसल कर आटे से थोड़ा पाट लेकर दो इक्वल साइज की छोटी लोई बना लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे इसे बेलते वक्त आपको बार बार सूखा आटा लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी सिर्फ एक बार शुरुआत में सूखा आटा लगाना होगा बस कटोरी लेंगे और आप जिस साइज की कटोरी ले रहे हैं उस कटोरी के साइज से थोड़ी बड़ी रोटी बेलिएगा। अब कटोरी पर बेली हुई रोटी को इस तरह से रख कर इसमें आलू की स्टफिंग रखेंगे फिर ऊपर से थोड़ा और चीज डालेंगे थोड़ा बारीक कटा धनिया डालेंगे फिर पानी लेंगे और इसके साइड्स पर अच्छे से पानी लगाकर दूसरी बेली हुई रोटी से इसको कवर करके अच्छे से प्रेस करते हुए सील कर देंगे ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हटा देंगे फिर कटोरी को इस तरह से पलट कर बन को निकाल लेंगे और फिर से एक बार इसके साइड्स को अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये खुले नहीं और ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं छोटे छोटे से बन अब एक पैन में दो से तीन चम्मच ऑयल को मीडियम गर्म करके मीडियम फ्लेम पर तैयार किए गए इस आलू पराठा बन को सेकेंगे बंस को पैन में रखते ही करछी या स्पून मत लगाइएगा जब ये थोड़े पक जाए तब इन्हें पलटेंगे इस तरह से और ये देखिए क्या बढ़िया क्रिस्प हो रहे हैं दूसरे साइड से भी पका लेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों तरफ से तो ये बंद पक जाएंगे पर साइड्स का क्या साइड्स कैसे पकेंगे कैसे क्रिस्प होंगे साइड्स पकाने के लिए पैन को इस तरह से थोड़ा टेढ़ा कर दें एक चिमटे से इन बंस को पकड़कर इस तरह से घुमाते हुए पका ले और ये लीजिए चीजी क्रिस्पी टेस्टी आलू पराठा बन तैयार है